अंदर कॉन्टैक्ट शो करा सकते हैं, सारे कॉन्टैक्ट, सिम के कॉन्टैक्ट, जी मेल आई डी के कॉन्टैक्ट, मतलब जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं आप कैसे शो कराएंगे, तो आपको अपने फोन के कॉन्टैक्ट के अंदर चले जाना है। तो इसके अंदर यहाँ पे हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं गाइस, वो अभी केवल एक जी मेल आई डी के कॉन्टैक्ट शो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और गाइस मैं इसके सारे कॉन्टैक्ट देखो गाइस, आप देखेंगे 89 कॉन्टैक्ट शो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और गाइस यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 89 कॉन्टैक्ट शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ऑल अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ऑल अकाउंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके भी गाइस आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल अकाउंट का गाइस, तो यहाँ पे आपको देखेंगे एक बार चेक कर लें, यहाँ पे आपको ऑल अकाउंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो आपको कुछ नहीं करना गाइस, आपको सिंपल तरीके से इधर आना है, थ्री लाइन पे क्लिक करना है, ऑल अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे आपके ऑल अकाउंट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे अकाउंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जितने कॉन्टैक्ट्स हैं आपके फोन के अंदर सारे कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं यहाँ पे, जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो सारे कॉन्टैक्ट गाइस आपके फोन के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, ऑल कॉन्टैक्ट्स जो कि 1175 कॉन्टैक्ट्स हैं। इसके बाद भी गाइस अगर आपको सिम के कॉन्टैक्ट कॉपी करने में दिक्कत आ रही है, कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे गाइस, ठीक है। आप यहाँ पे तो पहले हम यहाँ पे सिंपल तरीके से इस पर क्लिक कर लेते हैं। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बट गाइस यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो हम इंपोर्ट पे क्लिक कर लेते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे हमने एक तारीख को जो इंपोर्ट किए थे वो सारे कॉन्टैक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे हम इनको चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, बट इसको हम डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि गाइस यहाँ पे इसको हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ से आपका कॉन्टैक्ट ऐड हो जाता है, बट गाइस इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं और थ्री लाइन पे क्लिक करते हैं तो गाइस यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ना कि कॉपी। तो गाइस चलिए एक बार हम ट्राई करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे हम थ्री लाइन पे क्लिक कर लेते हैं और गाइस यहाँ से हम सिंपल तरीके से सिलेक्ट करते हैं एक नंबर, ओके। और इसको गाइस यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं मूव टू अनदर अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ से आप कोई भी एक अकाउंट चूज़ करके उसमें इसको मूव करा सकते हैं, ठीक है, जो उसमें भी आपको मूव कराना हो अकाउंट। तो इस तरीके से गाइस आप ये कॉन्टैक्ट के अंदर कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे आपको फिक्स एंड मैनेज का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप गाइस इंपोर्ट फ्रॉम सिम, तो सिम से आपको इंपोर्ट करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। आप सिम सेलेक्ट करेंगे आप में से कौन सी सिम में से आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है। हम तो सिम सेलेक्ट करके ओके कर लेते हैं। तो ये सारे नंबर गाइस हमारी सिम के हमारी जो सिम के अंदर है वो शो हो रहे हैं गाइस। यहाँ से हम मेल आई डी चेंज कर लेते हैं ताकि हमारी मेल आई डी के अंदर ये कॉन्टैक्ट सेव हो जाएँ। तो गाइस इनमें से कोई सा भी कॉन्टैक्ट यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी सिम के अंदर, अपनी मेल आईडी के अंदर ऐसे करके, ठीक है। तो ये तरीका है गाइस आपके कॉन्टैक्ट को सेव करने का। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर लो सब्सक्राइब। अगर गाइस कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर ले, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। तो ये तरीका था गाइस, ये लेटेस्ट तरीका है कॉन्टैक्ट को कराने का सिम के, जो भी आई होप कि आप समझ गए होंगे। सिम के कॉन्टैक्ट आपको कॉपी करना है तो सिंपल तरीके से यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आएगी, आपको यहाँ पे फिक्स एंड मैनेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इंपोर्ट फ्रॉम सिम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप कर लेना है, ठीक है। सिम सेलेक्ट कर लेनी है गाइस आपकी, कौन सिम के कॉन्टैक्ट कॉपी करनी है, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा ही, और अपने हिसाब से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपके कॉन्टैक्ट शो हो जाएंगे सारे, ठीक है इधर। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लगा दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।